जावा लैंग्वेज सीखने की ट्यूटोरियल सीरीज में, तो हम पिछले कुछ वीडियोज़ में देख रहे थे कि जावा हमने किन किन मॉड्यूल्स में डिवाइड की, या तो कुछ इसकी हिस्ट्री जाने हमने, हमने सिलेबस देखा उसका और क्या क्या उसमें कंसेप्ट होते हैं उसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लिया हमने, और देखा किन किन प्रकार के एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, फिर एक एग्जांपल लिया रियल टाइम हमने, उससे समझा हमने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे कि जावा हमने एक्सटेंशन भी देखा पिछले इसमें, तो हम अब देखते हैं क्वेश्चंस देखे जो बेसिकली जहन में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जावा एज इंटरनेट एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम बात तो करते हैं कि जावा इंटरनेट एप्लीकेशन यूज़ हो सकते हैं, जावा किस लिए, तो इंटरनेट एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है, पर एक्चुअली कैसे होती है और कैसे इंडिपेंडेंट होती है, और जावा का एक स्लोगन भी है राइट वंस और रन एनीवेयर। ठीक है, तो अभी कैसे राइट वंस एक बार लिखो और इधर भी रन करो, तो हम देखते हैं इसे इंटरनेट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और जावा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी वो भी इसमें वीडियो में हम जान लेंगे कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ठीक है, तो हमने एक कंसिडर करना है कि हम क्या बात करते हैं इधर पे कि एक क्लाइंट सिस्टम जो कि विंडोज़ है, ठीक है, और एक क्लाइंट सिस्टम है जो कि लिनक्स है। ठीक है, हम कुछ वेबसाइट, अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक ब्राउज़र पे जा रहे हैं और कुछ एक वेबसाइट सर्च कर रहे हैं जो कि जावा में बनी है। ठीक है, अब जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे क्लिक करते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर। अब जो सर्वर है हमें पता नहीं किसका है, मतलब विंडोज़ का है या तो कुछ अलग ओएस का है, कुछ है हमें पता ही नहीं, और हमारी जो सिस्टम है हमें पता है कि विंडोज़ की है। ठीक है, तो वो जैसे रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर कुछ वेबसाइट के लिए, समझो वो एक एग्जांपल के प्रोग्राम है program.java, वो हमें चाहिए, उसका आउटपुट हमें चाहिए, मीन्स हमारा वेबसाइट का कोड है, समझो। तो वो क्या होता है इंटरनेट एप्लीकेशन में, रिक्वेस्ट जाने के बाद में वो जो प्रोग्राम है जो चाहिए हमें, उसकी रिक्वेस्ट जाने के बाद में वो वहाँ पर कंपाइल होता है। ठीक है, जावा कंपाइलर से कंपाइल करता है और हमें डॉट क्लास फाइल जनरेट करके देता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस जीवीएम की मदद से, जो सर्वर सिस्टम पे जीवीएम मौजूद है उसकी मदद से हम आउटपुट उसका बना देते हैं। ठीक है, तो आउटपुट होने के बाद में हम क्या करते हैं, वहाँ पे आउटपुट ऑलरेडी तैयार है, कहाँ पे, सर्वर सिस्टम पे। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से अब हम आउटपुट तो दे नहीं सकते डायरेक्टली, ठीक है, दे सकते हैं पर वो अलग। ठीक है, पर हम क्या करते हैं अभी यहाँ से, या क्लाइंट सिस्टम जब रिक्वेस्ट भेजता है तो हमें उसका रिस्पांस चाहिए, रिस्पांस ऐसा चाहिए हमें। अब जब आउटपुट आता है, आउटपुट की बात कर रहे थे हम लोग, तो आउटपुट कहाँ पे आता है, वेब सपोर्टेड एप्लीकेशन में। ठीक है, वेब सपोर्टेड एप्लीकेशन और वेबसाइट्स की बात हमने दो की बात की थी पिछले वीडियोज में, तो आप जान सकते उसके बारे में। तो हम देख रहे थे कि रिक्वेस्ट जब जाती है तो उसके बाद में जब रिस्पांस आता है वहाँ से, तो रिस्पांस में क्या आता है हमें, प्रोग्राम जो क्लास डॉट क्लास फाइल है, अभी क्यों आती है, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों हमें आउटपुट ना भेजते, हम डायरेक्ट क्लास फाइल भेजनी है। तो हम देखते हैं कि जो वो डॉट क्लास फाइल जो जनरेट की कंपाइलर ने, उसे हम हमारे सिस्टम पे वो एज अ रिस्पांस भेजता है, मीन्स अपन डाउनलोड करते हैं उसको। वो डाउनलोड करने के बाद में जो हमारे विंडोज़ का जीवीएम है हमारे पास में, हमारे सिस्टम में, तो उसे क्या करता है, वो फाइल डॉट क्लास फाइल जो हमें मिली है रिस्पांस के थ्रू, तो हम उसे वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं जीवीएम की मदद से, विंडोज़ का जीवीएम विंडोज़ के लिए, विंडोज़ ओएस के लिए बना, उसे हम आउटपुट वहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, अब ये तो हो गई विंडोज़ की बात, एक ओएस की। अब दूसरे वाले ने क्या किया, लिनक्स वाला था, उसने भी क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड किया, मुझे भी चाहिए वो कंटेंट। ठीक है, तो वापस फिर प्रोग्राम सर्वर ने क्या किया, अभी सर्वर तो हमें पता नहीं कौन से सिस्टम पे, सर्वर ने क्या किया, वापस जो कंपाइल हुआ, जो प्रोग्राम है कंपाइल हुआ, जो प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल है उसी क्या बाइट कोड कहते हैं, तो उसे एज अ रिस्पॉन्स सेंड किया, क्लाइंट सिस्टम ने उसे डाउनलोड किया और वो उसे लिनक्स के जीवीएम थ्रू एग्जीक्यूट किया और उसे रन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्या विंडोज़ भी काम वही डॉट क्लास फाइल के का आउटपुट दे रहा है, लिनक्स भी वही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, और जावा का ये स्लोगन भी राइट हो गया, जैसे राइट वंस एक बार लिखो, जावा का कोड एक ही बार लिखा हमने, सर्वर पर डाल दिया, सर्वर में हमने क्या किया, कंपाइलर सेट किया, कंपाइलर से कंपाइल करता है। ठीक है, और रन एनीवेयर, और कहाँ भी रन करो, विंडोज़ पे करो, लिनक्स पे करो, और चाहे हज़ारों ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आओ वहाँ पे भी रन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। पर जो जीवीएम है क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब इसके बारे में आगे स्लाइड्स में जानने वाले,
सबसे पहले हम क्या जानेंगे, जावा के सॉफ्टवेयर से जानेंगे अगले वीडियो में। ओके ठीक है, तो हमने एज अभी इसमें क्या सीखा, कंक्लूजन समरी, जावा एज ए इंटरनेट एप्लीकेशन कैसे काम करता है, कैसे सर्वर सिस्टम पे क्या होता है, कैसे इंटरनल होता है। तो हमें आगे जब भी हम जावा इंटरनेट एज एप्लीकेशन इंटरनेट एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमें उसके एग्जीक्यूशन फ्लो समझ में आएगा कैसे काम करता है। ठीक है, तो थैंक यू, आप बने रहिए वीडियो में और एंजॉय कीजिए, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।